देश की आजादी के बाद से यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आर्टिकल 370, राम मंदिर और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर धर्म, जाति, समुदाय और वर्ग के लिए एक समान कानून, यानी सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, विरासत और हिस्सेदारी जैसे जो नियम है वो सबके लिए एक जैसे हो जाएंगे। इस बिल के पेश होने के बाद से ही लोगों में इसकी चर्चा है। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट असमा जहरा साहिबा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस यूसीसी पर, इस पूरे जो कानून लाया गया है, जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, उस पर इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत हमारे यहाँ वेलकम है और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने भी यूसीसी के जो ड्राफ्ट है उसे पढ़ लिया होगा, है ना, तो इसमें जो महिलाएं हैं, एज अ वुमेन, मैं आपका एंगल जानना चाहूंगी, आप इसको किस नजर से देखती हैं? जी, मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी का ड्राफ्ट फाइनलाइज किया और कल उनकी असेंबली में इसको पास किया गया है, ये पूरा बताया जाता है कि ये मुसलमान औरत के लिए एक तरह से, यानी उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन के तौर पर उसको पेश किया गया। लेकिन ये टोटली एक तरह से हमारा जो शरीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें मदाखलत है, एक मेजोरिटेरियन लॉ है और दूसरे ट्राइबल्स को सबको एग्जेम्प्ट किया गया है, अब हमको निशाना बनाया गया है। तो यूसीसी कहा जा रहा, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है इसमें, और मुस्लिम पर्सनल लॉ को निशाना बनाया गया है जो कि हमारे दस्तूरी हुकूक के खिलाफ है। तो इसको हम सरासर अपोज करते हैं, इसको कंडेम करते हैं, और इस तरह की किसी भी तरह की मदाखिलत जो हमारी शरीयत में होगी तो इस मुल्क की कोई भी खातून उसको नहीं मानेगी। मैम, जैसे अभी जो पहला इनका पॉइंट है, शादी, शादी के लिए इन्होंने एक न्यूनतम सीमा तय कर दी है, 18 से नीचे शादी नहीं हो सकती, जो पहले भी उतनी थी, लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21। तो अभी आपको इसमें कुछ क्या ही चेंजेस लग रहा है कि जैसे क्या कहा जाता है कि मुस्लिम्स में जो शादियां होती हैं लड़कियों की, वो उनके हैज आने के बाद से कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कानून बन गया है ये पहले भी यही था। देखिए, एज ऑफ मैरिज की अगर आप बात कहें तो चाइल्ड मैरिजेस जो है तकरीबन 12 मिलियन होती हैं सालाना, और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है तकरीबन 85% उन्हीं में होती हैं। हम इस मुल्क में सिर्फ 14 से 17% हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की जो विमेन हैं और हमारे जो फैमिली लॉज हैं, स्पेशली मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस और इद्दत पीरियड और इनहेरिटेंस, ये जो विरासत के कवानीन है, मुस्तकिल इसको निशाना बनाया जा रहा है। बताने की तो ये बात की जा रही है कि ये हम औरतों की हमदर्दी में कर रहे हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगा, सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार जो होंगी वो मुसलमान औरत होगी। तलाक के मसले पर भी इसी तरह औरत की हमदर्दी का बहाना करके मदाखलत की गई और कानून बनाया गया, सिविल मैटर्स को पनिश किया जा रहा। जैसे कि आपने एज ऑफ मैरिज की बात कही तो उम्र जो है 18 साल हर कोई उसको फॉलो करता है, लेकिन अगर कोई पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, गरीब लोग हो और उनके पास उतनी अवेयरनेस ना हो और वो 16-17 साल में शादी कर रहे हैं, तो वहां पर रिफॉर्म की जरूरत है, समाज में अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है, ना कि उनके बापों को, शोहरों को यानी किसी को भी जेल में डाल देने की। तो सिविल मैटर्स को जो पेनलाइज किया जा रहा, क्रिमिनलाइज किया जा रहा, ये सरासर हमारी कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट है। इस वजह से ये सब चीजें जो हैं मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे भी हैं और फिक्रमंदी की अलामत। जी, कहा जा रहा है कि जो तलाक है उस पर कोर्ट के थ्रू ही आप तलाक ले सकते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, तो मुस्लिम्स भी वैसे ही लेंगे, उसके कोर्ट के अलावा हर तरह के तलाक पर रोक रहेगी, मतलब जो हमारे जो शरीयत से जो हम तलाक की हमारी जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और तलाक के लिए पति और पत्नी दोनों के लिए एक समान कानून बना दिए गए हैं। इससे क्या महिलाओं को किसी तरह का कोई फायदा होगा? देखिए, तलाक को शुरू से ही निशाना बनाया गया है, शोहर को, हस्बैंड को जो राइट टू डिवोर्स है, हक है उनको कि वो तलाक दे सकते हैं, इसको निशाना बनाकर मुस्तकिल ये बताने की कोशिश की गई कि औरत के लिए प्रॉब्लम है। अगर वाकई ये तलाक प्रॉब्लम होती तो जब 1950-51 में हिंदू कोड बिल जब बना तो उनके धर्म में
तलाक या डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई उसका यानी ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि मुसलमान औरतें बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हैं। अगर शोहर अच्छे ना हो या किसी भी तरह से रिश्ता नहीं बन रहा हो तो हमारे पास तो जन्म जन्म का बंधन नहीं है। हमारे पास अगर रिश्ता नहीं बनता है कोशिश करने के बावजूद, काउंसलिंग के बावजूद, तो शोहर को भी ऑप्शन है कि वो तलाक दे सकता है, बीवी को भी ऑप्शन है कि वो खुला ले सकती है। तो ये जो डिवोर्स का सिस्टम है हमारे पास, वो मैटर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो डिवोर्स मुस्लिम कम्युनिटी में लीस्ट है और डिवोर्स सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम है। अब अगर डिवोर्स सॉल्यूशन नहीं होता तो हिंदू कोर्ट बिल में उसको शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन हिंदू कोर्ट बिल में भी उसको शामिल किया गया है। तो ये जब से ये यानी तकरीबन 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुस्तकिल तलाक को निशाना बनाकर तीन तलाक का बहाना किया गया। एक वक्त में तीन तलाक को बैन करने के नाम पर शोहरों को जेल में डालने का मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन, मुस्लिम विमेन मैरिज बिल 2017 लाया गया। तो तलाक को हमेशा निशाना बनाया जाता है, तलाक मुस्लिम समाज में सबसे कम है। अच्छा मैम, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूंगी, इसमें हलाला और इद्दत पर भी रोक लगाई गई है। मतलब किसी भी, अगर आप रिमैरिज करना चाह रहे हैं तो किसी प्रकार की जो शर्त है उस पर रोक लगाई गई है, मतलब हलाला और इद्दत पर भी रोक लगा दी गई है। ये किस तरह से हमारे जो शरिया कानून है उसको कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हलाला का तो हमारे ऊपर मुस्लिम समाज पर इल्जाम लगाया जा रहा है। हलाला का जो तरीका है, मतलब जो हलाला इस तरह से मीडिया में, प्रेस में पेश किया जाता, अगर किसी ने किसी से इस इंटेंशन से शादी की, नियत से कि वो उसको तलाक देने वाला है, तो वो सब यानी वो मैरिज ही इनवैलिड होती है। तो बेसिकली ये इल्जाम है हम पे लगाया जा रहा है कि हमारे पास हलाला होता है और इसकी वजह से मुसलमान औरतें परेशान है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा है। दूसरी चीज जो आप इद्दत की बात कहती हैं, वेटिंग पीरियड साइंटिफिकली किसी भी, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश होने के लिए मिनिमम 3 महीने माहवारी इंतजार अगर करें, पता चल जाएगा कि औलाद किसकी है। और जितने भी एडवांस साइंटिफिक टेस्ट हैं, डीएनए टेस्ट हैं, वो ये बताएंगे कि फलां शख्स बाप नहीं है, लेकिन फलां शख्स उसका बाप है ये एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि अगर तलाक भी हो जाए तो औरत 3 महीने वेट करें, और अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाए तो पता चल जाएगा कि वो किसका बच्चा है। तो ये शरीयत के जितने भी अहकाम हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में, अगर 3 महीने रुकने को कहा गया, ये दोनों पार्टीज के लिए बेटरमेंट के वास्ते हैं। अब सारे मैटर्स अगर आप कोर्ट ले जाएंगे, कोर्टों पर, अदालतों पर, चाहे लोअर कोर्ट्स हो, हायर कोर्ट्स हो, बहुत सारे केसेस का बोझ ऑलरेडी मौजूद है। और अगर घर में जो बात हो सकती है या फिर काजी के जरिए एक सिंप्लीफाइड वे में सेपरेशन हो सकते हैं, अगर आप उसके साथ कोर्ट्स और अदालतों को लाजिम कर देंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्सेस को बैन करेंगे, सबसे ज्यादा सफर जो होगी औरत होगी, मुसलमान औरत होगी। क्यों? इस वजह से कि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होगा, दूसरा उसके मेंटेनेंस का जो इश्यू है, औरत की मेंटेनेंस आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिवोर्स 3 मंथ्स तक शोहर पर है। 3 मंथ्स हो जाने के बाद फिर वो अपने अब्बा भाई और अपने महरम रिश्तेदार, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन यहाँ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि कौन उसके नफ़े का जिम्मेदारी ले। अगर भाई लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर वो मोहताज हो जाएगी। तो ये सब चीजें एंटी विमेन हैं और हमारे यानी एक तरह से समाजी और हमारे खानदानी मामलात में मदाखलत है। लेकिन उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये कानून महिलाओं को उत्थान, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको मजबूत करने के लिए एक कदम है। मतलब इसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है, लेकिन इससे ट्राइब्स को बाहर रखा गया है, उनकी महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा गया, इस पर आप क्या सोचती हैं? इसमें ना हम पूछना चाहते हैं कि किससे इन्होंने डिस्कस किया। जब किसी समाज के लिए कोई कानून लाया जाता है तो जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके जो भी लोग उस पर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत की जाती है। कौन सी ऐसी मुस्लिम खवातीन थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने ये राय दी कि इस तरह की तब्दीलियां लाई जा सकती हैं? हम उन खवातीन के नाम जानना चाहते हैं। हम लॉ कमीशन की तरफ से जब नोटिफिकेशन आया था जून में 2023 गुज़िश्ता साल, तो उस वक्त हमने अपने जो खवातीन के, मुस्लिम विमेन की जो ओपिनियन है, हमने लॉ कमीशन को सबमिट की थी। उस वक्त भी एक ड्राफ्ट की बात कही जा रही थी जो उत्तराखंड की असेंबली में, वहां पर वहां की सरकार
उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन बातें जो हैं ओपन में नहीं आती हैं। अचानक हमको पता चलता है कि कुछ लोगों को बुलाकर कंसल्टेशन किया गया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में से कौन सी महिलाओं से मशवरा किया गया, सुलह किया गया, वी डू नॉट नो, हमको नहीं पता है। तो जब कभी किसी समाज के लिए अगर आप उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं तो उनके स्टेक होल्डर से बात करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया में जो पुत्र और पुत्री को समान अधिकार नहीं मिलते हैं माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें, लेकिन इस कानून के आने के बाद लड़कियों को भी उतनी ही प्रॉपर्टी मिलेगी जितनी की लड़कों को मिलती है, तो ये तो एक अच्छा कदम है मेरे ख्याल में। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? देखिए, जहां इनहेरिटेंस का मैटर हो, मेंटेनेंस का हो, जो भी हो, हम हमारी जो सामाजिक खानदानी जिंदगी गुजारते हैं वो हमारे पूरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, हमारे किताबों में जो अहकामात हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जिसकी इजाजत है और जिसकी नहीं है। हम अपना इख्तियार भी नहीं रखते अपनी प्रॉपर्टी पर कि किसी के इंतकाल हो जाए तो कुरान में सूरह निसा में बता दिया गया कि उसका माल उसके करीबी रिश्तेदारों में से जो जो जिंदा है उस वक्त किसका कितना हिस्सा है, तो वारिसीन का शेयर कितना हो वो कुरान में बता दिया गया। इसके बाद अगर कोई शख्स अपने तौर पे करना चाहे, आप उसको ये समझें कि दिखने में आपको दिखेगा कि अगर 50 रुपए बेटे को मिल रहे हैं 50 रुपए बेटी को मिलेंगे, इस तरह आपको इक्वालिटी दिखेगी, सेम अमाउंट आ जाना जस्टिस नहीं है। जस्टिस ये है कि जिस पर जितनी जिम्मेदारी हो उसको उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उसको उतना शेयर मिला जाए। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम समाज में घर की जिम्मेदारी पूरी की पूरी, चाहे बीवी कमाए या ना कमाए, शोहर पर है, शोहर को खवाम बनाया गया है। इस एतबार से सारी जो घर की मेन यानी खर्चे की जिम्मेदारी रहेगी या तो अब्बा पर रहेगी, बाप पर, या शोहर पर। उस एतबार से जिस पर जिम्मेदारी है उसको शेयर ज्यादा है। बीवियां, लड़कियां जो होती हैं वो शादी होकर दूसरे घर जाती हैं, और कभी शोहर सही ना हो किसी वजह से, यानी या तलाक खुला हो जाए या वो बेवा हो जाए, वो बेसहारा नहीं रहेंगी, वो दोबारा अपने भाई के पास आएंगी। तो इस तरीके से उनका शेयर हाफ रखा गया है, हाफ जो है उनको अपने घर की सरपरस्ती रहेगी। यानी ये बात समझना है कि इफ अ मुस्लिम वुमन गेट्स मैरिड ही डजंट सीज टू बी द मेंबर ऑफ द फैमिली, वो खानदान का हिस्सा रहेगी, वो अपने बाप के नाम से पहचानी जाएगी। हमारे पास कन्यादान का कॉन्सेप्ट नहीं है, भाइयों को और महरम रिश्तेदारों को उनके खर्चे की जिम्मेदारी, इस वजह से वो निस्फ है। तो अगर आप डीपर उसको समझेंगे तो सारी चीजों के पीछे लॉजिक है और रीजनिंग है, और उसमें हमारी ख्वातीन का प्रोटेक्शन भी है, सेफ्टी भी है। तो आप अगर इसको सिर्फ ऐसे बताएंगे कि दोनों को 50-50% मिलेगा तो वो बराबर इक्वल दिखेगा, जस्टिस नहीं होगी। जी, जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इसे, मतलब इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ इसे साजिश बताया गया, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है ये मुसलमानों को उनके मजहब से दूर कर रहा है, इस पे आप क्या सोचती हैं? देखिए, ये बिल जो है निशाना करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ को और मुसलमानों के मैरिज सिस्टम को, फैमिली सिस्टम को, और इस्तेमाल करता है, यूज करता है विमेन की, यानी एक तरह से कि हम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी, औरतों को इस बिल से कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि औरतों को, मुसलमान खातून को और मजीद प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आपके अगर धर्म में अगर कोई चीज बताई जाए उसके खिलाफ अगर आपको अदालत से फैसला मिले तो बीच में कौन प्रॉब्लम में आने वाली है? वो तो औरत ही प्रॉब्लम में आएगी। अदालत कह देगी उसका तलाक हो गया, लेकिन यानी अगर समाज में कोई उसको मानेंगे नहीं, कबूलेंगे नहीं, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुसलमान औरत को आएगा। मुसलमान खवातीन पूरी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अपनी खानदानी समाजी जिंदगी गुजारना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने दस्तखतें भी लिखी, उसके लिए उन्होंने रोडों पर आकर भी एहतजाज किया, और उसके लिए आज भी सारी मुसलमान खवातीन अपनी राय देने तैयार हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, और उनके मुद्दों और मसलों पर कोई दूसरे बात कर रहे हैं जो मजहब के बारे में कुछ नहीं जानते। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जहाँ मस्जिदों को भी निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही साथ मुसलमानों को बहुत सारे यानी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, एक इस्लामोफोबिया का माहौल है,
तो इसी में ये कानून इस वक्त आना हमारे समाज के साथ ज्यादती है, और ये बहुत ज्यादा यानी मुसलमान इसकी अपोजिशन करेंगे और इसकी मुखालिफत करेंगे। मैम, अडॉप्शन पे आपसे बात करना चाहूंगी कि हमारे इस्लाम में अडॉप्शन पे क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी देखिए तो मतलब इजी कर दिया गया अडॉप्शन सबके लिए, तो आप इस्लाम का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए अडॉप्शन, अगर कोई बच्चा अनाथ हो, ऑर्फन हो, आप उसका किफालत कर सकते हैं, किफालत इज अलाउड, आप उसकी पहचान नहीं बदल सकते। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा अपने बाप के नाम से पहचाना जाए, उसको पता रहे कि वो किसका बच्चा है। तो जो कोई अगर बच्चे की केयर टेकिंग करना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई में, उसकी यानी अपब्रिंगिंग में, वो जरूर करें, मगर अपना नाम अगर देंगे तो इस्लाम इससे मना करता है। इस्लाम किफालत की इजाजत देता है। अडॉप्शन अगर यानी गोद लेने का जो मामला है, सारे महरम रिश्ते, नामहरम रिश्ते और सब पूरे जो शरीयत के अहकामात हैं वो बहुत वाजे क्लियर कट है। तो इस तरह कोई किसी का बेटा कह देने से नहीं हो सकता, ना बेटी कह देने से हो सकती है। किफालत की जा सकती है, केयर टेकिंग की जा सकती। अच्छा, यहाँ पे एक लिव इन का भी इसमें जिक्र किया गया है कि जो लोग लिव इन में रहते हैं पहले उनको पंजीकरण कराना होगा, फिर उससे अगर औलाद भी पैदा हो जाती है तो उसे मतलब पूरा हक दिया जाएगा जैसे औलाद को मिलता है। इस पर आप क्या सोचती हैं, क्या ये हमारे समाज के लिए, हमारी बच्चियों के लिए सही होगा? देखिए ये जो पूरा बिल है ना उत्तराखंड का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक जानिब आप जो है पॉलीगेमी को टारगेट कर रहे हो, एक से ज्यादा निकाह को टारगेट करके ये बता रहे हो, जबकि पॉलीगेमी मुसलमानों में सबसे कम है। और दूसरी जानिब आप लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्नॉलेज भी कर रहे हो, यानी कि उसको पूरी तरह से रजिस्टर कराने, सर्टिफिकेट बनाने की सारी बात कही जा रही है। तो फ्रीडम की भी बात कही जा रही है कि एक आजाद मुल्क में हर कोई किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप रख सके। लिव इन रिलेशनशिप्स मल्टीपल भी होते हैं, आप भी जानती हैं, हर किसी को पता है। तो जब इस तरफ आजादी दी जा रही है, तो क्यों पॉलीगेमी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जहां पर औरत को हक भी मिलता है, समाज में इज्जत भी मिलती है, होने वाली औलाद को वो सारे हुकूक मिलते हैं जो पहली बीवी के बच्चों को मिलेंगे। तो ये भी जो चीज है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और किस तरह से इस पर एडवोकेट्स यानी इसको हैंडल करेंगे, किस तरह जब ये नाफिज होगा, एग्जीक्यूशन इसका होगा, तो कैसे इसको किया जाएगा, और फिर मैरिज में और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होगा, रेगुलर मैरिज से लिव इन की मैरिज कितनी होगी, वो सारी चीजें शायद एडवोकेट्स और उसको स्टडी करके बताएंगे। अभी तो ये कंफ्यूजिंग नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने शायद लगभग सारे जो पॉइंट्स है उसको कवर ही कर लिए हैं मेरे ख्याल में, और हमें ये चीज़ भी समझ में आ गई कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो नया कानून लाया गया, जो ड्राफ्ट लाया गया, ये हमारे मुसलमान के जो कानून है, शरिया जो कानून है, उससे बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट करता है और हमें बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस तरह का कानून पूरे देश में लागू करने की बात की जाती है तो आप लोगों का मतलब, क्योंकि आप लोगों का पूरा एसोसिएशन है, आप लोगों के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो जिनको मजहब की जानकारी है, जो समाज से जुड़ी हुई है, आप लोगों का क्या कदम होगा और सरकार से आप लोग क्या मांग करेंगे? देखिए ये एक स्टेट में इसकी एक तरह से नाफिज करके प्रैक्टिस हो रही है, फिर वही जो टेस्टिंग वहां होगी तो पूरे मुल्क में भी ये लाया जा सकता है, जल्द भी लाया जा सकता है। तो इसमें हमारे सामने दो तीन काम हैं जो हम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो लोगों को वाकिफियत हो, उनको समझ आए, अवेयरनेस हो, रिप्रेजेंटेशन हम करें। वो लोग जैसे कि अब लॉ कमीशन से ने सारी पब्लिक से बात मांगी थी, तो उस वक्त हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, और हमने दो तीन मर्तबा वहां पर अपॉइंटमेंट के लिए भी कहा। तो वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट, हमारी कोशिश होगी कि जहां कहीं बात अगर की जाए तो डिस्कशन डायलॉग के जरिए हमारा व्यू पॉइंट, हमारा पर्सपेक्टिव हम बताने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि हम लोगों को इसके लिए लीगल भी जाना पड़ेगा, और इसके भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो दस्तूर में दिए गए हकूक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीज हमको हैं, वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे हमसे छीने जा रहे हैं, और खास तौर पर हमारी शरीयत को बहुत ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। तो बहुत जरूरी होगा कि जैसे असम में चाइल्ड मैरिज के नाम पर बहुत सारे लोगों पर केसेस बुक हुए और हस्बैंड्स को भी अरेस्ट किया गया, तो
तो ये जो मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हैं या इनहेरिटेंस मेंटेनेंस के, अब ये क्रिमिनलाइज भी कर दिए जा रहे हैं। तो इसको जो है लीगली भी हमारे अपने तहफ्फुज़ की हमको कोशिश करनी होगी, और इंशाल्लाह इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, तो आप देख रहे थे मिलर टाइम्स और मैं हूँ रुबान सारी। हमारे साथ थी डॉक्टर असमा जहरा, जो प्रेसिडेंट हैं AIMWA की। और इस पूरे यूसीसी पर आपने सुना चर्चा हमारी, इनकी क्या राय है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो दोनों तरफ की चीज़ों को अच्छे से जानती हैं, जो धर्म को भी जानती हैं और जो समाज की चीज़ों को भी जानती हैं, सारे दांव पे जानती हैं, वो इस यूसीसी के बारे में क्या सोचती हैं आपने सुना, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।